Today we are going to study all about parallel lines. But what is the parallel lines? Parallel lines are two lines that never intersect each other. ऐसे दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती, उस लाइन को कहा जाता है parallel line. In this figure, line X and line Y are the two parallel lines. If we increase these lines, they never intersect each other. So line X and line Y are parallel. We can write X parallel line Y. A line which is intersect two parallel line. This line of intersection is known as a transversal. In this figure, line X or line Y, these two are the parallel line. और इस दो पैरेलल लाइन को एक कॉमन लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है जिसका नाम है L. लाइन L इंटरसेक्ट लाइन X एट पॉइंट A. लाइन L इंटरसेक्ट लाइन Y एट पॉइंट B. सो दिस इंटरसेक्टिंग लाइन वी कॉल इट एज अ ट्रांसवर्सल. समझ में आ रहा है? अगर ऐसी सिचुएशन होती है, दो पैरेलल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके जा रहा है, हमें चार टाइप्स के एंगल्स मिलते हैं. करस्पोंडिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड ओनली इंटीरियर एंगल. सो लेट्स सी. If you see the figures, in this figure, line X parallel line Y and line Z is a transversal. अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, ये देखने हैं. सो लेट्स सी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके बाद होगा फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट. मैंने रैंडमली नंबरिंग की है, एक्चुअली सिक्वेंशियल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरे नंबरिंग की है. अब देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहा जाता है? जो एंगल फर्स्ट लाइन के और ट्रांसवर्सल के जिस सिचुएशन में होगा, वैसा ही अगर दूसरा एंगल होता है तो उसे कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल. लेट्स सी, ये देखिए, एंगल फर्स्ट, इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा एंगल सेकेंड. व्हाई? बिकॉज एंगल ए लाइन एस के टॉप पे है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है. सेम सिचुएशन यहां पे एंगल टू के बारे में है. एंगल टू लाइन वाई के टॉप साइड पे है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है. यानी दोनों की सिचुएशन, दोनों की जगह सेम है, इसीलिए दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट. देखिए, मैं दूसरा कलर यूज करती हूं ताकि आप समझ सको. दूसरी पेयर होगी एंगल थ्री कॉन्ग्रुएंट एंगल फोर. लेट्स सी, एंगल थ्री कॉन्ग्रुएंट एंगल फोर. Because both are lie and the same situation, same position. हमारा next angle होगा angle 5 का congruent angle होगा 7. Angle 5 congruent angle 7. मैं अलग अलग color use कर रही हूं ताकि आप उसका situation समझ सको. Next pair होगी angle 6 का congruent angle होगा 8. So angle 6 congruent angle 8. समझ में आ रहा है? These are the corresponding angle. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल के आपके सिचुएशन पे गौर करो. पहले की जैसी सिचुएशन है वैसे दूसरे की है, फिफ्थ जैसा है जैसा सेवन है, सिक्स जैसा है जैसा एट. सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड दे हैव अ वन कॉमन ट्रांसवर्सल, एट दैट टाइम यू गेट द फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. देन अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल के वैसे दो टाइप होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी दो लाइन के बीच में, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी दो लाइन के बाहर. पहले हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देखेंगे. मैंने सिंपली उसे अल्टरनेट कहा है, अल्टरनेट भी कहा जाता है. सो लेट्स सी, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं. अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है? एक लेफ्ट को तो एक राइट को, एक टॉप को, टॉप का अल्टरनेट होगा बॉटम, लेफ्ट का अल्टरनेट होगा राइट. ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है अल्टरनेट एंगल. तब देखिए, अल्टरनेट एंगल के लिए मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताती हूं. जो भी एंगल एक दूसरे के जेड सिचुएशन में होते हैं ना, वो अल्टरनेट होते हैं. लेट्स सी, अगर मैं ये एंगल को हाईलाइट करती हूँ ताकि आप समझ सको, यानी ये फाइव का अल्टरनेट एंगल होगा फोर. देखिए ना, ये बन गया हमारा जेड. सो दिस इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेट एंगल. लेट्स सी, एंगल फाइव कॉन्ग्रुएंट एंगल फोर. एंगल फाइव का अल्टरनेट एंगल है फोर. ओके, नाउ नेक्स्ट पेयर देखिए. ये देखिए, उल्टा जेड हो गया. ये हमारे यहाँ पे सिक्स है. एंगल सिक्स का अल्टरनेट एंगल होगा टू. समझ में आ रहा है? दिस वन इज द ऑल्सो जेड बट इट इज अल्टरनेट. सो एंगल सिक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल टू, दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के दो पेयर बनते हैं. ओके, नेक्स्ट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. पहले थे वो इंटरनल, थे दो लाइन के बीच में थे, अब ये एक्सटीरियर यानी दो लाइन के बाहर होंगे, लेकिन अल्टरनेट ही रहेंगे. एक ऊपर है लेफ्ट को है तो दूसरा नीचे राइट को रहेगा, सेम सिचुएशन रहती है, उसे कहा जाता है अल्टरनेट एंगल. इन दिस फिगर हमें इसे नंबरिंग करनी चाहिए 1 2 3 4 5 6
सेवन एट. मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया. अब अल्टरनेट एंगल देखिए जो एक्सटीरियर है. अब ये देखिए ये एंगल थ्री, थ्री का एक्सटीरियर एंगल रहेगा सिक्स. अब देखिए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट का मीनिंग वही कंसिडर करना, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, एक लेफ्ट को है तो राइट में होगा, इसे कहा जाएगा अल्टरनेट एंगल. लेकिन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यानी लाइन के बाहर, जो पहले अंदर थे अब बाहर कंसिडर करेंगे. अब देखिए मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये थ्री, थ्री का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा सिक्स. थ्री किस सिचुएशन में है, ट्रांसवर्सल के राइट में है और ऊपर है, तो यहां पर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और लाइन के नीचे होगा, इसे कहा जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. सो एंगल थ्री का कॉन्ग्रेंट एंगल होगा एंगल सिक्स. सेम सिचुएशन यहां पे, एंगल वन का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा एट. सो हम लिखेंगे एंगल वन कॉन्ग्रेंट एंगल एट. दीज आर द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. अब हमें देख रहे हैं इंटीरियर एंगल, सिंपली इंटीरियर एंगल. आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन आपको क्लियर करना है. अल्टरनेट, अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा तो सीधा और उल्टा ऐसे दो जेड बनेंगे. अगर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए तो आपको ध्यान से फिगर को समझना होगा. नाउ वी हैव टू स्टडी इंटीरियर एंगल, जस्ट इंटीरियर. इंटीरियर यानी अंदर, या जो भी एंगल फॉर्म होने वाले हैं दो लाइन के अंदर होंगे. लेट्स सी, मैं आपको समझाती हूँ. ये फाइव और ये टू, बोथ आर इंटीरियर एंगल ऑफ ईच अदर. फाइव और टू दोनों भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और दोनों भी लाइन के बीच में पैक हुए हैं. सो ये आर इंटीरियर एंगल. तो इसका रिलेशन ऐसा रहता है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स अगर हम इंटीरियर एंगल की सम करते हैं तो 180 डिग्री होती है. ये थोड़ा सा अलग है. जो हमने तीन सिचुएशन देखे, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, वो कॉन्ग्रेंट से बताते थे, दे आर कॉन्ग्रेंट ऑफ ईच अदर. बट नाउ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. ये फर्स्ट पेयर है और दूसरी पेयर रहेगी एंगल 7 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों, ये भी इंटीरियर एंगल है और वो भी सप्लीमेंट्री है. तो आप समझ पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम ज्योमेट्री का जो भी टॉपिक कवर करते हैं तो उसमें हमें ढूंढने पड़ते हैं. इन सम केसेस ट्रायंगल्स में कोई साइड अदर साइड को पैरेलल होती है तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा. अगर पैरेलल लाइन के कांसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप इजीली अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल ढूंढ सकते हो. और भी एक एंगल होता है एक्चुअली, वो आपको सबको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए कैसे होते हैं वर्टिकली अपोजिट, हम शॉर्ट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब देखिए अपोजिट यानी एक इधर तो एक इधर, उसे कहा जाएगा अपोजिट. अब यहां फाइव का वर्टिकली अपोजिट एंगल है थ्री, वो दोनों भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे. एंगल फाइव कॉन्ग्रेंट एंगल थ्री. नेक्स्ट है एंगल वन, उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है सेवन. सो एंगल वन कॉन्ग्रेंट एंगल सेवन. अदर वन इज एंगल टू का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एट. सो एंगल टू कॉन्ग्रेंट एंगल एट. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 का 3 होगा, 1 का 7 होगा, 2 का 8 होगा, 6 का 4 होगा. सो एंगल 6 कॉन्ग्रेंट एंगल 4. दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अगर हमें पैरेलल लाइन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब हमें पता होना जरूरी है. ठीक है, हम एक एग्जांपल के साथ इसे कंसीडर करते हैं. हमने पैरेलल लाइन समझी, उसका ट्रांसवर्सल समझा और कौन से चार टाइप्स के एंगल फॉर्म होते हैं वो भी समझ लिया. अगर हमें ऐसी सिचुएशन आती है तो एंगल कैसे ढूंढेंगे, उसके नाम कैसे लिखेंगे, उसके लिए एग्जांपल देखते हैं. इन दिस फिगर लाइन एबी, वी आल्सो कॉल इट एज अ लाइन एल. लाइन सीडी, आल्सो कॉल एज अ लाइन एम, आर पैरेलल. व्हाइल लाइन पीक्यू इज योर ट्रांसवर्सल एंड इट इंटरसेक्ट लाइन एल एट पॉइंट आर, लाइन एम एट पॉइंट एस respected. तो हमें corresponding angle के चार pair ढूंढने होंगे. So कौन से corresponding angles रहेंगे? देखिए PRA इसका corresponding angle रहेगा RSC. So we write here angle PRA congruent angle RSC. ये first pair. अब दूसरी देखिए ये वाली. तो वो रहेगी angle ARS angle ARS. कॉन्ग्रेंट एंगल सी एस क्यू, सी एस क्यू. दो पेयर तो हो गए. अब दूसरे दो पेयर यहाँ पे फॉर्म होंगे एंगल पी आर बी, दिस वन कॉन्ग्रेंट एंगल आर एस डी. सो वी राइट हियर एंगल पी आर बी कॉन्ग्रेंट एंगल आर एस डी. नीचे लाइन के नीचे वाली ये मैं क्रॉस में देती हूँ, ये रहेगी हमारी दूसरी करस्पॉन्डिंग पेयर. वो रहेगी एंगल बी आर एस
angle BR, yes. Congruent angle DSQ, DSQ. अब नेक्स्ट आती है अल्टरनेट पर. मैंने आपको ट्रिक बताई थी अल्टरनेट ढूंढने के लिए. सिंपल सी पैरेलल लाइन के बीच में हमें जेड कंसीडर करना है, एक सुलटा और एक उल्टा. देखिए ये जेड अगर हम कंसीडर करते हैं, ये हमारे अल्टरनेट एंगल बनेंगे जो मैं ऑरेंज कलर से आपको हाईलाइट करवा रही हूँ. सो देखिए अल्टरनेट एंगल की फर्स्ट पेयर रहेगी एंगल ए आर एस. एंगल ए आर एस इसका कॉन्ग्रेंट एंगल रहेगा आर एस डी, आर एस डी. अब ये सीधा जेड हो गया. अब उल्टा जेड देखेंगे. उल्टा जेड रहेगा बी आर एस, उसका कॉन्ग्रेंट एंगल रहेगा आर एस सी. देखिए मैं उसको क्रॉस कर देती हूँ बड़ा वाला तो आप समझ पाओ. सो सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बी आर एस कॉन्ग्रेंट एंगल आर एस सी. अल्टरनेट के दो पेयर्स बनते हैं. ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, पैरेलल लाइन के अंदर में है, इसलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है. अब हम देखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी वो लाइन के बाहर होगा, एक्सटर्नल साइड पे होंगे, अल्टरनेट होंगे. यानी यहाँ पे पी आर बी, दिस वन, इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा सी एस क्यू. सो वी राइट हियर एंगल पी आर बी कॉन्ग्रेंट एंगल सी एस क्यू, सी एस क्यू. ये फर्स्ट पेयर बन गए. सेकेंड पेयर रहेगी दिस वन जो मैं आपको सर्कल से बड़ा करके दिखा रही हूं. सो एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए उसका कॉन्ग्रेंट एंगल रहेगा डी एस क्यू. ये रहेगा डी एस क्यू. सो वी कॉल्ड इट एज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. नेक्स्ट होता है इंटीरियर एंगल. सिंपल सी बात है, जस्ट इंटीरियर यानी जस्ट दो लाइन के बीच जो पैक होता है उसे कहा जाता है इंटीरियर एंगल. अब इस सिचुएशन में देखिए इंटीरियर एंगल कौन से है. हमारे इंटीरियर एंगल है ये, देखिए मैं जो पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये इसका इंटीरियर एंगल है दिस वन. दोनों भी लाइन के बीच में आ गए हैं और इंटीरियर एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. समझ लीजिए बाकी के तीनों से थोड़ा सा अलग है, इसे यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी. इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, दैट मींस आई राइट हियर हियर ए आर बी एंगल ए आर एस प्लस एंगल आर एस सी, आर एस सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट पेयर इधर की होगी ये वाली, ये एंगल होंगे एंगल बी आर एस, एंगल बी आर एस प्लस एंगल आर एस डी, आर एस डी इसकी भी सम 180 रहेगी. अब आपको समझ में आया होगा. अब देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, वो टॉपिक बाकी था, मैंने उस पे नहीं आपको सेपरेट करवा रही हूं. देखिए यहां पे वर्टिकल अपोजिट यानी कैसा, एक यहां पे एक यहां पे, देखो ये वर्टिकल अपोजिट होते हैं. दैट मींस एंगल पी आर बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा ए आर एस, एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. दूसरी पेयर में क्रॉस करती हूँ तब आपको समझ में आएगा. दूसरी अपोजिट की पेयर रहेगी हमारी पी आर ए, उसका कॉन्ग्रेंट एंगल रहेगा बी आर एस, बी आर एस. ओके अब थर्ड देखिए, यहां पर भी ये रहेगी ये. अब इनका नाम क्या है, सी और डी में नाम देती हूँ. सो देखिए ये अपोजिट की दूसरी पेयर है. सो तीसरी अपोजिट की पेयर रहेगी आर एस सी. ये देखिए आर एस सी, इसका अपोजिट एंगल ये रहेगा एंगल डी एस क्यू. अब लास्ट वर्टिकल के अपोजिट की हम पेयर लेंगे दिस वन. सो दीज टू आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो एंगल बी आर एस वो एंगल रहेगा आर एस डी, आर एस डी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा सी एस क्यू, सी एस क्यू. दीज आर द फोर पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.